कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन प्रेस कीजिए। इससे जब भी मैं कोई नई रेसिपी शेयर करूं, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, हम सब ने सूजी और बेसन का ढोकला तो बहुत खाया है, लेकिन आज मैं आप सबके लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ, जो है मूंग दाल ढोकला, जो बहुत हेल्दी होता है और इजीली डाइजेस्ट होता है। मूंग दाल ढोकला भी एकदम स्पंजी और सॉफ्ट बनता है। ये देखिए, ये ढोकला कितना स्पंजी दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखते हैं कि मूंग दाल ढोकला बनाने की रेसिपी क्या है। इसके लिए मैंने साबुत मूंग दाल लिया है, जिसको 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दिया था। अब ये दाल भीग चुकी है। इसके बाद हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। इसका पानी निकाल दिया है। दाल का एकदम बारीक पेस्ट बनकर रेडी है। अब इस पेस्ट में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 2 चम्मच दही डाल देंगे। दही और नमक डालने से फर्मेंटेशन बहुत अच्छा होता है और जल्दी भी हो जाता है। इन सबको मिला देंगे। अब इसको फर्मेंट होने के लिए रख देंगे करीब 6 घंटे के लिए। अब 6 घंटे बाद यह पेस्ट अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको मिक्स करने के बाद हम ढोकले का बर्तन तैयार करेंगे और उसमें इस पेस्ट को डाल देंगे। ये मैंने बर्तन में पेस्ट डाल दिया है। इधर मैंने ढोकले का पॉट रख दीजिए और इसको 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दीजिए। आफ्टर 15 मिनट्स हम इसमें चाकू डालकर देखेंगे। अगर हमारा चाकू की नोक साफ निकल कर आ रही है, तो हमारा ढोकला पक चुका है। अब ये ढोकला रेडी है। इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और तड़के की तैयारी करेंगे। तड़के के लिए हमें जिस सामग्री की आवश्यकता है वो इस प्रकार है। यहाँ पर मैंने तेल, नींबू का रस, शक्कर, हींग, जीरा, राई और 4-5 करी पत्ता लिया है। इधर ढोकला ठंडा हो गया और उसको हमने बर्तन से निकाल लिया है। ये देखिए, ढोकला कितना स्पंजी बना है और एकदम अच्छे से फूल गया है। अब इसके पीस काट लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। अब तड़का बनाने के लिए तड़का पैन में पहले ऑयल डालेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैंने गैस बंद कर दिया है। अब राई, जीरा ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहें तो केवल राई भी डाल सकते हैं, करी पत्ता, जब करी पत्ता चटकने लगे उसके बाद हींग, ये सब मसाले डालकर एक बार फिर से गैस को ऑन कर दिया है। गैस मैंने इसलिए ऑफ किया था जिससे तड़का जले नहीं। अब ऑन करने के बाद इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे और शक्कर मैंने यहाँ पे 1 चम्मच लिया है। अब इन सबको अच्छे से
मिक्स कर लेंगे। यहाँ शक्कर घुल चुका है, अब गैस ऑफ करने के बाद हम इसमें नींबू का रस डाल देंगे, जो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। नींबू का रस मैंने गैस ऑफ करने के बाद इसलिए डाला है जिससे वो कड़वा ना लगे। अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम नींबू का रस पहले डाल देते हैं तो तड़के में थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है। अब ये तड़का रेडी है, अब हम इसको ढोकले के पीसेस पर अच्छे से ऊपर से फैला देंगे। और ये देखिए, इसको हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे और ये मूंग दाल ढोकला जो बहुत टेस्टी और हेल्दी है, रेडी है।